दोस्तों, लास्ट वाली वीडियो में हमने भारतीय संविधान के भाग 5 के संघ के अंतर्गत कार्यपालिका के बारे में पोएट्री के माध्यम से डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम जानेंगे पार्लियामेंट यानी कि संसद के बारे में, जो कि इसी भाग 5 के अंदर आती है, जिसमें अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद भारत देश की सबसे बड़ी संस्था होगी, नए कानून बनाने हेतु उसकी ही क्षमता होगी। तीनों भागों से होता है भारतीय संसद का गठन। सर्वप्रथम है राष्ट्रपति, फिर संसद के दो सदन। अनुच्छेद 80, राज्यसभा के सदस्यों का राज्य ही करे चयन, कुछ विशेष लोगों का किया जाता है मनोनयन। अनुच्छेद 83, प्रत्येक 5 साल में होता लोकसभा का चुनाव, यही लोकतंत्र का जादू, जब लोग करें बदलाव। अनुच्छेद 84, राज्यसभा में नियुक्ति हेतु उम्र चाहिए 30, लोकसभा में आने हेतु पूरे करें 25। अनुच्छेद 86 और 87, राष्ट्रपति समय समय पर करेंगे संसद में बैठक, दोनों सदनों में अभिभाषण का होगा उनका हक। अनुच्छेद 93, लोकसभा शीघ्र चुनेगी अपना एक अध्यक्ष, लोकसभा के संचालन में होगा वह अति दक्ष। अनुच्छेद 99, संसद के सब सदस्यों को लेनी होगी एक शपथ, संविधान का करेंगे पालन, अपनाएंगे उसका पथ। अनुच्छेद 102, सांसद नहीं बने रहेंगे, यदि हो विकृत मानसिकता, हो जाए दिवालिया या त्यागें देश की नागरिकता। अनुच्छेद 105, सांसद सदन में बोलें या रखें स्वतंत्र विचार, वाणी की स्वतंत्रता ही है संसद का मुख्य आचार। अनुच्छेद 107, संसद बनाएगी कानून और पास करेगी बिल, दोनों सदनों की सहमति से काम नहीं मुश्किल। अनुच्छेद 111, जब कोई बिल पास होगा सहमति देंगे राष्ट्रपति, यदि संविधान सम्मत है तो जल्द ही देंगे स्वीकृति। अनुच्छेद 112, मंत्रालय सरकारी खर्चे का पूरा बजट बनाता है, वित्त मंत्री फिर इसको संसद में पास कराता है। अनुच्छेद 120, संसद में होगी प्रयोग हिंदी या अंग्रेजी भाषा, यदि कोई दोनों ना जाने बोले अपनी मातृभाषा। अनुच्छेद 121 और 122, किसी जज के बर्ताव पर संसद में ना होगी बहस, संसदीय कार्यवाही पर जज का नहीं चलेगा बस। अनुच्छेद 123, संसद ना चल रही हो, परिस्थिति भी हो विशेष, राष्ट्रपति कानून बनाए जारी करके अध्यादेश।